हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में बदमाश बेखौफ एटीएस पर हमला करके साथी को छुड़ा ले गए तस्कर, चार गाड़ियों में आए थे हथियारबंद बदमाश। सरहदी बाड़मेर जिले में तस्करों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है, वे बेखौफ होकर पुलिस पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। एक तस्कर को पकड़ कर ला रही यूपी एटीएस व जोधपुर पुलिस टीम पर बुधवार शाम कुछ तस्करों ने हमला कर दिया और वे अपने साथी को छुड़ा कर ले गए। जानकारी के अनुसार यूपी एटीएस की एक टीम 14 साल पुराने एक मामले में आज दोपहर शिव थाना क्षेत्र पहुंची थी और यहां से एक कुख्यात तस्कर चंद्र प्रकाश जानी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे शिव थाना पुलिस ले जाया गया। थाने में थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद पुलिस व एटीएस की सुरक्षा में चंद्र प्रकाश को बाड़मेर लाया जा रहा था। इस बीच बाड़मेर से करीब 7 किलोमीटर पहले चार वाहनों में सवार होकर आए शिव प्रकाश के हथियार बंद साथियों ने एटीएस व पुलिस के वाहनों को रोक दिया और तस्कर चंद्र प्रकाश को एटीएस की कस्टडी से छुड़ाकर अपने साथ लेकर फरार हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही बाड़मेर के आला पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हाथों हाथ पूरे क्षेत्र की नाकाबंदी कर तस्करों की तलाशी का अभियान शुरू किया गया। फिलहाल पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग नहीं लगा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह ने बताया कि इस तस्कर को पकड़ने के लिए पूरे जोधपुर रेंज में नाकाबंदी करवा दी गई है और पुलिस की टीमें भी गठित कर दी गई है और जल्दी इसे पकड़ लिया जाएगा। इस दौरान हमने राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा, इस पूरे मामले को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं है और मैं एक मीटिंग में व्यस्त था। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए हरीश चौधरी, राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार, इन्होंने ये कहा, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई भी घटना नहीं है। मैं अभी बैठक में था और मेरे संज्ञान में नहीं है तो इसके बाद में मैं टिप्पणी क्या कर सकता हूँ। ये तो भाभी जी पापड़ जैसे टिप्पणी कम से कम बाड़मेर के अंदर तो नहीं होती। सर, अगर ऐसा घटना हुई है तो पुलिस के ऊपर सवाल या निशान तो खड़े नहीं? घटना में पिछले मैं 3.5-4 घंटे से मुख्यमंत्री की मीटिंग में था और ख़त्म होते ही मैं नीचे उतरा हूँ। कुछ दरमियान में नहीं तो मैंने फ़ोन उठाया, नहीं किसी और बाहरी व्यक्ति से मेरी बात हुई। तो किस प्रकार की घटना है, क्या घटना है, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है और फिर मैं उसके बारे में भूलूं, क्या मेरे को ये भूलना उचित है? जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए नरपत सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, इन्होंने ये कहा, ये जानकारी हमें मिली थी कि वहाँ से पंचायत समिति शिव से इसको पकड़ा था सदस्य से, तो एसओजी टीम पकड़ने के बाद में जब लेके आ रही थी तो उसमें हमें इतला इसके मिली थी। मीनवाइल रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने उनको इंटरसेप्ट किया और रुकवा के उनसे सूचना मिली। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।